हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ज्ञानवी। दोस्तों आज क्या करेंगे, बहुत तरह की डिशेज बनानी आती है, हर किसी को आती है। और आज इन दिनों में तो जैसे सर्दी का टाइम है तो गाजर और गोभी है, हर तरह की गोभी आई हुई है और काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। तो उसका आज हम गाजर और गोभी को मिला के मिक्स में करके तो एक अच्छा सा पराठा तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या दोस्तों, मैंने दोनों को घिस लिया है। घिसने के बाद इसमें नमक डाल दिया था, उसको थोड़ी देर वेट करवाया है यानी 5-7 मिनट के लिए। और उसके बाद एक कपड़े में डाल के इसको अच्छे से इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, सारा पानी जब हम निचोड़ लेंगे तो इससे ना पराठे हैं या फिर कोई भी आप पकौड़े बनाओ या कुछ भी बनाओ काफ़ी अच्छे बन के रेडी होते हैं, क्योंकि इसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है तो उसको निकालना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अच्छे से निकाल लिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम एक प्लेट में रखेंगे और प्लेट में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम ये है हरी मिर्च, हरी मिर्च के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन जो बारीक काटा हुआ मैंने, और इसके बाद थोड़े बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर है, मिर्ची है, नमक है, और हींग ज़रूर डालेंगे क्योंकि हींग से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और खाना भी जल्दी से पच जाता है। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों एक लोई लेंगे और उसमें हम डाल देंगे स्टफिंग और एक अच्छा सा पराठा बना के रेडी करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। और ये पराठे आप चाहे बच्चों को कभी भी किसी भी टाइम दे सकते हो, बच्चे बड़े कोई भी खाएं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। और इसमें एक चीज़ और करना, आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी अदरक और डाल लेना, वो भी बारीक काट के, जिसको पसंद है। हमें तो पसंद नहीं थी अदरक पराठे में तो मैंने नहीं डाली है, लेकिन आप लोग डाल लेना, या तो ग्रेट करके डाल लेना या आप उसको छोटा छोटा काट लेना। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पराठे बनाते हैं नॉर्मली जैसे पराठे बनते हैं वैसे ही पराठे बनाएंगे। और ये पराठे मैंने अच्छे से ये स्टफ कर दिया है और इसको अच्छे से बेल लेंगे। बहुत आसानी से बेल जाता है, अगर इसमें थोड़ा पानी होता तो ये पराठा बन के बिल्कुल रेडी नहीं हो पाता। और अब ये सारा पानी मैंने निकाल दिया था तो ये पराठा भी कितने अच्छे से बेल दिया मैंने। और अब इसको गर्म, तवा मेरा गर्म था, इसको फटाफट मैं सेक दूँगी। और तेल घी जो भी आपको पसंद है उसे, और मैं ये पराठे दोस्तों वैसे बना रही जैसे हम लोगों को खाना पसंद है। मैं ये नहीं बता रही, मैं दिखाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा तेल या बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी दोस्तों। नॉर्मली जो खाना होता है ना, जो सबको डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, तो ऐसा ही खाना मतलब मैं बना के तैयार करती हूँ। क्योंकि ज़्यादा मसाले वाला खाना देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन खाने में वो हमें हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाएगा, इसलिए मैं वो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। और मैंने अपने लिए बनाए हैं तो मैं इसी प्रकार के पराठे बना के तैयार करती हूँ। और ये देखिए मैं अच्छे से दिखा देती हूँ कितना अच्छा स्टफ हो गया है, बिना तेल घी के भी देख लो कितने अच्छे से ये परत उतर जाएगी। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया है मेरा ये गाजर और गोभी का स्वादिष्ट पराठा। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर जरूर किया गया।